हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेजवान मसाला फ्राइड राइस की रेसिपी ले आई हूँ, जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो उसके लिए ये देखिए, कुछ सब्जियाँ हम काट लिए हैं। एक प्याज है बड़े साइज का, और एक टमाटर है, एक शिमला मिर्च है, ग्रेट किया हुआ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, और थोड़ा सा हम स्वीट कॉर्न भी लिए हैं। तो अगर आप अपने पसंद की इसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हुआ, गाजर भी हुआ। तो फिर चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस जला कर कढ़ाई रख दिए हैं, तो इसमें हम डाल देंगे तेल। तो तेल गर्म हो चुका है, तो डालेंगे खड़ा जीरा। तो करी पत्ता मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बढ़ जाता है। तो करी पत्ता हम डाल दिए हैं, ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल देंगे, और एक प्याज का कटा हुआ डाल देते हैं। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे कटा हुआ, और शिमला मिर्च। रात का चावल बच गया था फ्रेंड, तो उसका हम बना रहे हैं, और इतना टेस्टी लगता है ये सेजवान मसाला में। आप बनाकर देखिए फ्राइड राइस, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो बहुत ज्यादा देर तक गलाना नहीं होता है, तुरंत से बना रहता है, तो ज्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। और ये बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न है, उसको डाल देंगे। तो अपने पसंद की कोई भी सब्जियां डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम केचप डाल रहे हैं, और अब इसमें हम डालेंगे जो चावल बचा हुआ है, उसको हम डाल देंगे। और ये सेजवान मसाला जो है, इसको हम डाल देंगे। तो नमक नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, हम 2 चम्मच डाल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नमक पड़ा होता है, अगर कम लगेगा तो बाद में भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो इसको अब हम सर्व करते हैं। और ये देखिए, फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह सेजवान मसाला में बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से पुदीने के पत्ती से गार्निश कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ।